फराज सर की फिल्म आज नेटफ्लिक्स पर टॉप वन एंड वर्ल्ड वाइड टॉप टेन में है। सर कैसा फील कर रहे हैं? मतलब ये इस बात से कोई वो नहीं है कि फिल्म जब रिलीज हुई थी तो उसका रिलीज बड़ा एपोलोजेटिक था, उस बहुत कम शोज में थी फिल्म और लोग गए नहीं थिएटर फिल्म देखने, तो सबको निराशा हो रही थी। लेकिन हमें ये पता था कि इस फिल्म को जब आप फिल्म बनाते हो एक ईमानदारी के साथ और आपको पता है उस कहानी में दम है, आपकी स्टोरी टेलिंग में दम है, तो यू नो कि अल्टीमेटली फिल्म को अपना एक ऑडियंस मिल जाएगा और वो ऑडियंस नेटफ्लिक्स के जरिए दुनिया भर में फिल्म को ऑडियंस मिला है। फिल्म के बारे में डिबेट्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही है जी। अच्छी बुरी सारी बातचीत, लेकिन बातचीत चर्चा होना जरूरी है और वो हो रहा है। मैं कल हैरान हो गया था जब देखा कि वर्ल्ड में टॉप टेन, ये नॉन इंग्लिश टॉप टेन में तो थी जी। अभी इट इज इन द टॉप टेन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, कि जिसमें ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ऐसी कंट्रीज में द फिल्म इज ट्रेंडिंग ऑन देयर टॉप टेन लिस्ट्स। श्रीलंका फाइनली, कि हर कहानी सी देखिए फिल्म आपकी नहीं होती कभी भी, एक बार आपने बना ली ना फिर फिल्म दुनिया की होती है, सब देखने वालों की होती है। एंड सो फाइनली जो समर्पण फिल्म का करना था, फिल्म अभी उसके देखने वालों, उसके ऑडियंस को समर्पित हो गई है।